दोस्तों काफी दिन हो चुके थे वीडियो नहीं आई थी, और अभी भी मैं जो है वीडियो शूट नहीं करने वाला था। मैं आने वाला था सीधा लाइव, बहुत मन कर रहा था कि सीधा लाइव आऊं, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि अभी जो मेरा नेटवर्क है VI का है, और इसमें जो है दिक्कत ये हो रही, कभी 4G नेटवर्क आ जाते हैं, कभी 3G आ जाते हैं, कभी 4G, तो ऐसा चल रहा है। अब ऐसे में नेटवर्क आते हैं जाते हैं, तो जो अगर मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा तो उसमें काफी दिक्कत होगी, और जो है बार बार लाइव स्ट्रीम रुक जाएगी। तो उस वजह से मैं लाइव ना आकर सीधा वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अभी मैंने पोर्ट करवा लिया है जियो में, तो कल नहीं परसों के दिन यानी कि 6 तारीख को जो है मॉर्निंग में जियो की सिम फिर से चालू हो जाएगी, तो फिर मैं लाइव आऊँगा, और मुझे लाइव आकर बहुत सी बातें भी करनी है आप लोगों से। तो मेरा प्लान है कि नेक्स्ट संडे जो है अपन लाइव बात करेंगे, या फिर नेक्स्ट संडे से पहले भी लाइव आ सकता हूँ, क्योंकि जियो सिम जो है मेरी चालू हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने हैं, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम दो तीन टॉपिक्स पर बात करने हैं। सबसे पहला आपका जो है ब्याज माफी किसानों की, जो 2 लाख तक के डिफॉल्टर किसान थे। इसके अलावा आपकी जो सहारा इंडिया में जिन लोगों के पैसा फंसा हुआ था उनके लिए बात करने वाले हैं। और तीसरा टॉपिक दोस्तों हमारा है संबल योजना या फिर ई श्रम कार्ड से रिलेटेड। तो संबल योजना और ई श्रम कार्ड से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, क्या क्या इसमें आपको कुछ अपडेट आए हैं, सारी जानकारी इसमें बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक लाइव के। तो चल दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला है किसानों को लेकर, तो किसानों को जो अपडेट है दोस्तों वो अपडेट ये है कि जो 2 लाख तक के डिफॉल्टर किसान थे उनका ब्याज जो है माफ किया जा रहा है। 30 तारीख तक आप जो है आवेदन जमा कर सकते हैं। तो आवेदन कहाँ जमा करना है वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अगर आपको फिर भी पता नहीं है तो सहकारी बैंक में आपको आवेदन जमा करना है। तो जिस बैंक से आपने लोन लिया था, जिस बैंक से आपने कर्ज लिया था, वहाँ पर जाकर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि आपको जो फॉर्म है आवेदन है वो कहाँ से मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लगने वाले। हालांकि इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो सहारा इंडिया में अपडेट ये है दोस्तों कि अभी तक आपको मैंने ये नहीं बताया था कि आप पोर्टल के माध्यम से भी अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं अपना पैसा वापस पाने के लिए। तो इसमें अपडेट ये है दोस्तों कि आप जो है अब कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC सेंटर पर जाकर भी 20 रुपये चार्ज देकर भी अपना जो है आवेदन सबमिट करा सकते हैं, अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो। इसके अलावा दोस्तों सहारा इंडिया का एक और अपडेट ये है कि अब सहारा इंडिया का जो पोर्टल लॉन्च हुआ था है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री हैं जो कि भारत सरकार के, उन्होंने उस पोर्टल को जो है लॉन्च किया था। अब उसी पोर्टल के माध्यम से 4 तारीख को यानी कि आज 4 अगस्त 2023 को अमित शाह जी के द्वारा जितने भी सहारा इंडिया में लोगों के पैसे फंसे हुए थे उनको पैसा पहुंचाया गया है, पैसे का स्थानांतरण किया गया है। और अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो फटाफट से आप जो है कॉमन सर्विस सेंटर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, अगर आपका सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है तो वो जो पैसा है आपका वापस मिल जाएगा। अब चलिए लास्ट अपडेट क्या है। तो दोस्तों लास्ट अपडेट मैंने आपको बताया था कि संबल कार्ड के बारे में या फिर ई श्रम कार्ड के बारे में मुझे बात करना था। तो संबल कार्ड या ई श्रम कार्ड के बारे में हम बात ये करना है कि संबल कार्ड को लेकर बार बार डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपका संबल कार्ड या ई श्रम कार्ड आउट ऑफ डेट हो चुका है, मतलब जो उसकी वैधता थी वो निकल चुकी है, तो आपको अपना संबल कार्ड या ई श्रम कार्ड तत्काल प्रभाव से जो है उसको रिन्यू करवा लेना चाहिए, अपडेट करवा लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसका रीजन ये है, बार बार डिपार्टमेंट ये इसलिए कह रहा है क्योंकि अभी हाल ही में जो है गवर्नमेंट की तरफ से संबल कार्ड या फिर आपका ई श्रम कार्ड को लेकर जो है अपडेट ये आने वाला है कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च हो सकती है संबल कार्ड या ई श्रम कार्ड, क्योंकि आपको जैसा कि बताया सभी वर्गों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से संतुष्ट किया जा रहा है, उनकी सभी जो है जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो ई श्रम कार्ड के माध्यम से जुड़े हैं, कई सारे मजदूर संबल कार्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को अभी बाकी है कुछ देना। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन कार्ड धारकों को जो है सरकार की तरफ से सहायता दी जा सकती है या फिर किसी योजना के माध्यम से लाभ दिया जा सकता है। इसीलिए जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द जो है अपने मजदूरी कार्ड को, श्रमिक कार्ड को, संबल कार्ड को अपडेट करवाएं और उसको जो है एक बार फिर से रिन्यू करवा लें, सही तुरंत जल्दी से जल्दी।
ये सब अपडेट जो थे दोस्तों, तीनों अपडेट मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। अगर इन चीजों को लेकर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। सोच रहा हूँ जल्द से जल्द लाइव आऊँ, और ये वीडियो जो है मैंने इसलिए अपलोड करी, इसलिए शूट करके अपलोड कर दी, ताकि आप लोगों तक ये मैसेज भी आ जाए कि अब जो है मैं फिट हूँ, स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा है, और अब कंटिन्यू आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से एक बार। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।